सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त ऋषा कदेर और वे नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्टीमेट वेलकरी का एक छोटा सा सस्ता सा कॉम्बो। मतलब इतना भी सस्ता नहीं है, लेकिन एक कॉम्बो जो मतलब डायनामाइट बेबलेट तो बिल्कुल नहीं है वो, या फिर स्पार्किंग बेबलेट नहीं है वो, बस एक नॉर्मल टर्बो बे या फिर अपना गांधी को बे हो सकता है। सो तो हम सीधा उस की तरफ ही देखते हैं। सो गाइज, दिस इज़ आर कॉम्बो ऑफ अल्टीमेट वेलकरी। तो गाइज, इसके लिए गाइज मैंने सबसे पहले यूज़ किया है ये लेयर जो है वो है वंडर वेल्ट्री एक की। इसकी डिस्क है वो है बूस्ट, वो है विक्ट्री वेल्ट्री एक से। और वेरिएबल ड्राइवर जो है वो भी विक्ट्री वेल्ट्री एक से है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल ड्राइवर की। तो ये जो मेरा ड्राइवर है ये मेरे लेजेंड्स फ्रीगन से है और गाइज ये पहले से ही अवेंकर्ड है। दूसरी ये है अपनी बूस्ट डिस्क जो मुझे मेरे जेनेसिस वेल्ट्रेक से मिली थी। और ये है अपना वंडर वेल्ट्रेक, थोड़ा सा गाइस टूटा हुआ है क्योंकि यार बैटलिंग के वक्त यार लुइन और ने इसकी धच्चियाँ उड़ा दी थी, तोड़ दिया था, लेकिन जीता तो वेल्ट्री था। तो चलो अब इन सबको मिलाते हैं और देखते हैं कि इसके मतलब ये देखो अपना वेल्ट्रेक का ओरिजिनल कॉम्बो भी है यहाँ पर, जो है अपना वंडर वेल्ट्रेक ओरिजिनल कॉम्बो। तो ये वाला जो है ये है जेनेसिस वेल्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था। तो भाई ये बस एक मतलब डुप्लीकेट बेबलेट है विथ नो करेक्ट पार्ट्स। तो ऐसे ही कुछ इश्यूज हो गए और ये बेबलेट हमारा तैयार हो गया। और ये है लेजेंड स्प्रिगन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत गंदा दिखता है, मतलब पहले अच्छा था लेकिन अब ये ख़राब हो गया है। और ये देखो भाई इसकी जो वेरिएबल मतलब वेरिएबल ड्राइवर जो है इसका वो पहले से ही अवेकंड है, मतलब पहले से ही अवेकंड है। तो गाइस यार अब ये वेल्ट्रेक पे कैसे सूट होगा, मतलब ये वेल्ट्रेक का ही ड्राइवर है बस। अल्टीमेट वेलकरी मतलब अल्टीमेट वेल्ट्रेक का मेरा जो ये कॉम्बो होने वाला है वो पहले से ही अवेकंड होने वाला है। मतलब एनीमे में अभी तक तो अवेकन नहीं हुआ है, अभी अवेकनिंग चालू है उसकी, और मेरा तो पहले से ही फुल्ली अवेकंड है। तो चलो गाइस हम इस कॉम्बो को अपना मतलब रीअसेंबल कर देते हैं। और साइड में जो है ब्लैक चीज़ है इसको गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करो क्योंकि वो बस एक फ़ोन स्टैंड है। तो ये है अपना वेलकरी। तो ये देखो फिर से साइड से देख लो गाइस, रुको मैं एक अच्छा सा आपको व्यू देता हूँ। ओके ये देखो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। इसकी अवेकन ड्राइवर देखो, अवेकन टिप देखो ये। तो ये बेबलेट मतलब स्टेडियम में क्या करेगा और क्या नहीं करेगा ये हम कुछ ही सेकंड में मतलब कुछ ही देर में देखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना है एंड सो इट्स टाइम टू टेस्ट आउट सम बैटल्स। तो गाइस हम आ गए हैं अपने स्टेडियम में, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है अपना वेलकरी और देखते कि ये मतलब ये बीच में ही जा रहा है। मुझे पता था कि यार इसकी चीज पहले से ही अवेकंड है यार, वेरिएबल ड्राइवर मुझे जो वेरिएबल ड्राइवर मिला है उसके साथ तो यही प्रॉब्लम है कि वो ठीक से काम नहीं करता। तो हाँ ये देखो यार ये तो फ्लैश लॉन्च हो गया और ये फिर से बीच में ही आता है, मतलब जस्ट लाइक वाइब्रॉन और फैशनर यार उसी की तरह बीच में आता है ये। ओके ये कुछ तो थोड़ा सा मतलब मुझे प्रॉब्लम है इससे कि ये बीच में जाता है बार बार, लेकिन टेस्ट आउट अच्छा है यार। मतलब ये देखो पहली मैच हम करेंगे अपने वेल्ट्रेक से, जेनेसिस वेल्ट्रेक से। तो आप खुद ही देख लो कि क्या होता है यहाँ पर। तो हमने बेबलेट्स लोड कर लिए हैं। तो गाइस सबसे पहले जाएगा जेनेसिस वेल्ट्रेक। ओके ये देखो ये चला गया जेनेसिस वेल्ट्रेक फुल्ली रश करते हुए एंड यहाँ पर ये वेल्ट्रेक ना अल्टीमेट वेल्ट्री चला गया अल्टीमेट वेल्ट्री। और नहीं गाइस यार बैटल पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा और आई ये बैटल तो सारी ख़राब हो गई यार, ठीक से कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हुआ क्या है इसमें। तो अब हम करते हैं अपने लेजेंड्स फ्रीगन के साथ और इसमें मतलब टिप और पार्ट्स चेंज कर दिए हैं कि यार उसके पार्ट्स ने अपने न्यू वेलकरी कॉम्बो में मर्ज कर लिए है। तो यह चला अपना फ्रीगन और इसके साथ ओ अब उस वेलकरी के चाल इस वेलकरी में आ गए एंड यस गुड बैटल यार।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन जीता। दोनों एक ही टाइम पर रुके हैं और जो ऐसे ऐसे ही फिर घूमता है यार, उसका हम पॉइंट नहीं लेते। ओके तो स्पीगन चला गया है बीच में और हम अपना शिप अरेंज। तो स्पीगन चला गया है अपने बैटल स्टेडियम में और उसके साथ वैल्केरी भी अटैक्स पे अटैक हो रहे हैं, मतलब स्पीगन पर ज़्यादा अटैक्स नहीं लेकिन हो रहे हैं। एंड फिर से ड्रॉ, समझ में नहीं आ रहा यार ये ड्रॉज कैसे हो रहे हैं। तो चलो भाई अब हम अपना बेबलेड ही बदल लेते हैं, सीधा चलते हैं लुई के साथ। तो लुई जो है उसके साथ है यार अपना लुई नॉर का ड्राइवर, मतलब पहले लुई नॉर का ड्राइवर और बाकी का है वो ब्लडी का ही है, या फिर हम कहे ब्रूटल ब्रूटल लुई नॉर ब्लडी लॉन्गिनेस, आप क्या बुलाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो लॉन्गिनेस बुलाना ही पसंद है, ब्लडी लॉन्गिनेस। तो ये गया ब्लडी लॉन्गिनेस स्टेडियम में और इसके साथ गया वैल्केरी और ये हुआ एक शानदार बस्ट। लुई नॉर ने कर दिया है अल्टीमेट वैल्केरी के कॉम्बो बेब्लेड को बस्ट, यानी लुई नॉर ने कर दिया है अल्टीमेट वैल्केरी को बस्ट। और ये होना वैसे पॉसिबल नहीं था लेकिन मैच इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं यार, अपोनेंट स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो गाइस इस मैच को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो लुई नॉर को मिलते हैं 2 points एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन सेकंड बैटल। तो सेकंड बैटल के लिए सब रेडी हो जाओ। तो सेकंड बैटल है अल्टीमेट वैल्केरी और ब्लडी लॉन्गिनेस के बीच में। तो ये गया लुई ने अपना छोड़ा है बेब्लेड, यहाँ पर वॉल्ट भी अपना बेब्लेड छोड़ चुका है और दोनों में बहुत तेजी से टक्कर हो रही है। और ये हो गया लुई नॉर बस्ट, अल्टीमेट वैल्केरी विंस फॉर ए शानदार बस्ट फिनिश एंड दोनों के पॉइंट्स सिमिलर है। अब लास्ट थर्ड बैटल होगा, वो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको विनर समझ में आए कि कौन है। ओके अपना वैल्केरी चला गया है और इस पर आ गया है लुई नॉर इन द स्टेज। दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं एंड मैच इज ड्रॉ गाइज। तो गाइज इसमें कुछ तो क्लिक्स पड़े हैं गाइज, मतलब दोनों में मतलब क्लिक्स पड़े हुए हैं। तो ये तगड़ा अपोनेंट है और उसके बाद हम करते हैं फ्री के साथ बैटल। तो 1-on-1 बस्ट फिनिश, थर्ड मैच इज ड्रॉ। तो हम अपना अपोनेंट ही बदल लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट फ्री डज। तो यार फ्री जीतने वाला यार, इसलिए कोई अटैक वटैक नहीं करता यार। अरे इसने तो अटैक कर दिया और भाई अपने वैल्केरी को बस्ट कर दिया, अल्टीमेट वैल्केरी को। तो गाइस पता है यार आपको लग रहा होगा कि यार ये अल्टीमेट वैल्केरी का कॉम्बो इतना भी तगड़ा नहीं है। आप चाहो तो स्लैश वैल्केरी की लेयर यूज कर सकते हो क्योंकि वो भी थोड़ी अफोर्डेबल है, उसमें भी थोड़ा सा मेटल पीस आता है। लेकिन गाइस मेरी प्रॉब्लम बेब्लेड की है कि यार मेरा बेब्लेड पुराना हो चुका है, उसका ड्राइवर वगैरह सब कुछ ख़राब है यार, बहुत पुराना है इसलिए ठीक से काम नहीं कर रहा। साथ उसके साथ ये डुप्लीकेट है। तो गाइस अब देखते हैं कि फैसनेट स्पिन स्टील करता कैसे है। अल्टीमेट वैल्केरी में इस रबर नहीं है एंड गाइस अनफॉर्चुनेटली सरप्राइजिंगली द मैच इज ड्रॉ बिटवीन फैफनीर एंड वैल्केरी, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन फैफनीर में कुछ क्लिक्स पड़े हुए हैं। तो चलो फिर से एक बार बैटल कर लेते हैं उन दोनों के बीच में। नहीं अब हम जरा बेब्लेड बदल लेते हैं, अपना जेन्युइन बेब्लेड ले लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या कमाल करके दिखाता है। इस पर भी हम डिफेंस मोड में ही जाएंगे, या फिर कहो डिफेंस मोड ही कहते हैं इसको। ये देखो हमने जेटा टीप यूज़ की है इसमें, क्योंकि इसके साथ जेटा टीप आती है तो उसको हमने डिफेंस मोड में कर दिया है। एंड ये गए अपने बेब्लेड स्टेडियम में और दूसरा छोड़ दिया, थोड़ा सा लेट हो गया गए छोड़ने में बेब्लेड। ओके हम फिर से एक बार करते हैं बैटल। लेट्स गो, वैल्केरी आ गया है, अब जेन्युइन भी आ गया है एंड लेट्स सी हु विंस। जेन्युइन जीत गया लेकिन यार उसने बस एक मतलब स्टेमिना फिनिश या फिर कहते हैं ओवर फिनिश,
तो ये गया अगेन उसके साथ हम करते वैल्करी। तो अब देखते हैं क्या नहीं गाइस, ये इस बैटल का जो खेल है वो पूरा स्टेमिना पर बेस्ड है, तो यार इस बैटल में ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला। सो लेट्स सी वेर इज आवर नेक्स्ट अपोनेंट। तो एक लास्ट बैटल कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। And as I said, it depends upon stamina, guys. So let's move on to our next opponent, which is, I think, Excalius. हाँ, मेरे पास Excalius ही है, Zero Excalius. तो पता नहीं guys, ये battle fair है या unfair है guys, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार हम यार first generation के Beyblade को अब third generation के साथ battle कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा हार्ड है। ओके, तो एक्सकेलियस आ गया है स्टेडियम में और उसके साथ वैल्करी भी आ गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब गेस करना थोड़ा सा मतलब वैसा है, ये हार्ड है कि समझ में नहीं आता कि यार इनके बैटल्स में जीतता कौन है। मतलब यार ये खेल कभी स्टेमिना का होता है, कभी बैलेंस का होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जनरेशन वन के बेब्लेट्स हम जनरेशन थ्री के साथ बैटल करें तो ऐसा होता है। सो गाइस मैंने अभी ट्राई किया है रश लॉन्च, तो गाइस हम रश लॉन्च ट्राई करते हैं कि होता है या नहीं। तो रश लॉन्च तो गाइस नहीं हो रहा, शायद अपनी टीम अवेकंड है इसलिए। ओके, अब हम इस लॉन्चर से ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने, अरे ये तो लॉन्चर ही टूट गया। What the hell भाई, ये कैसा लॉन्चर दिया है मुझे यार। ये फेफनेट के साथ आया हुआ लॉन्चर गाइस टूट गया है, कोई बात नहीं, हम जोड़ लेते हैं जस्ट इन टू मिनट्स। ओके गाइस, हमने लॉन्चर को जोड़ लिया है, तो अब अपना बे लेते हैं और चलो यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। ओके गाइस, इसमें कुछ रश लॉन्च के साथ फ्लैश रश, फ्लैश रश लॉन्च, अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च, अल्ट्रा रश लॉन्च, सब कुछ एक ही इसमें हो गया, तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं। तो गाइस दिस इज रश लॉन्च प्लस ये फ्लैश लॉन्च, मतलब बे स्टार्टिंग में रश करता है और लास्ट में फ्लैश करता है, पता नहीं। सो गाइस अगर आपका वेबलेट गुड कंडीशन में हो तो गाइस ये ज़रूर वर्क करेगा। तो एक लास्ट बैटल कर लेते हैं वैल्करी और फेफनेर के बीच में, इसे हैंड स्पिन छोड़ देते हैं, इसे ऐसा छोड़ देते हैं। ओके गाइस, दिस टाइम वैल्करी विंस। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। तो अगर आपको कॉम्बो पसंद आया हो और वीडियो भी पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये असम कॉम्बो पता चले। एंड चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करो बिकॉज इट हेल्प्स मी सो मच। टिल देन मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।